एसीपी अश्विनी दीक्षित न्यूज नेशन के दफ्तर में पहुंच गए हैं. मुझे जानना है कि मिस्ट्री सॉल्व हुई या फिर नहीं. और साथ में हमारे साथ हैं कुशल जी, राइमा सेन, जो कि ट्रेलर में अपनी एक अलग मौजूदगी दर्ज करा रही हैं वोडका डायरीज में. तो यहाँ कैसे, यहाँ आपका किस तरह से केस चल रहा है ये बताएं. इनफैक्ट मुझे खबर मिली कि यहाँ कुछ क्रूज हैं न्यूज नेशन के दफ्तर में, तो मैं छानबीन करने आया हूँ, सतर्क रहेगा. अच्छा, किस पे शक हो रहा है आपको? वही तो हमारी खासियत है, हमारी आंखों से आपको दिख जाएगा किस तरह का किरदार निभा रहा है. आपको तो हमने अलग अलग अंदाज में देखा है, ये वाला किरदार क्या आपको कुछ अलग है? ये इसलिए निराला है क्योंकि जैसे कुशल ने कहा कि ये केवल एक मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, साथ ही एक ह्यूमन स्टोरी भी है. तो अमूमन ये होता है कि जब आपके पास कोई मर्डर मिस्ट्री होती है तो कहाँ अपना फिल्म देखने के बाद आपको खुशी होती है कि यार ये मर्डर था, मैंने गेस किया करेक्ट, वो सब होता है. लेकिन उसके अलावा इस फिल्म के अंदर एक कहानी है, एक ह्यूमन स्टोरी है जो आप लेकर जाएंगे आपके साथ. मंदिरा बहुत टाइम बाद किसी फिल्म में आ रही है और आपके साथ तो आपकी पत्नी का किरदार निभा रही है, उनके बारे में बताएं. यहाँ तो मौजूद नहीं है. नहीं नहीं, वो कविताएं लिखने में बिजी हैं. अच्छा. क्योंकि कवियत्री है तो वो काफ़ी सारी अच्छी लाइनें लिखती हैं और मेरा जो किरदार है उसका कविता से कोई लेना देना नहीं. तो हमारा जो नोकझोंक होता है फिल्म के अंदर वो इसके लिए होता है कि मैं उनकी कविताओं को तोड़ मरोड़ के पेश करता हूँ और इस तरह की चीज़ें हैं. कोई एक कविता अगर आपको याद हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ही याद नहीं कोई कविता. हालांकि हमारे फिल्म में दो तीन गाने हैं जो बैकग्राउंड पे चलते हैं. बड़े सूदिंग, बड़े अच्छे से भी और बड़े रहस्यमय भी लग रहे हैं वो गाने. जी हाँ, ऑल थ्री सॉन्ग्स आर वेरी रेलेवेंटली पुट इन द फिल्म. सो एक अच्छी कहानी है और एक अच्छी फिल्म. अच्छा, मुझे ही ट्रेलर देख के बिल्कुल नहीं लगा 20 दिन में कैसे कोई कर सकता है. अच्छा, वो मुझे बता दीजिए कैसे किया आपने. जी, बहुत सारी तैयारी है, बहुत सारे रिहर्सल्स हैं और अच्छे एक्टर्स का सपोर्ट है. हम लोग पहले ही ऑफिस में बैठ के हम लोग रिहर्स कर लेते थे कैसे करना है, क्या करना है. मनाली जा कर भी अगर कहीं एक जगह प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह शूट करने के लिए भी रेडी रहते. डेज लिमिटेड थे, क्वालिटी बड़ी अचीव करनी थी और ठंड भी बहुत थी. हाँ, ठंड -8 -10 बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते थे, कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती थी. बट ये कितना मुश्किल हो जाता है जब आप शूटिंग के लिए जा रहे हैं, इतना खर्चा, इतना बड़ा आपके साथ क्रू मेंबर्स होते हैं और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर ऐसे में मतलब कैसे इतनी एनर्जी मेंटेन करना मुश्किल नहीं? मेरे ख्याल से जब एकाग्रचित होकर आप काम करते हैं किसी चीज़ तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में नहीं आती कि ये क्या मुश्किल है, क्या नहीं है. तो हमारा ये मकसद ये था कि भैया इस फिल्म को इस प्रकार से, क्योंकि हम चाहते थे कि 20 दिन में हमको शूट करना ही, फिनिश करनी होती है, तो उस पर हम बस बांध करके चल पड़े और ऊपर वाले ने साथ दिया और सारी चीज़ें बस सही. बट इतनी ठंड में शूट करना वही चैलेंजिंग था एक्चुअली. बर्फ में, इन द स्नोफॉल, बर्फ में शूटिंग करना वही मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग थी. पर लकली केके को सब भागना भागना करना था, मुझे नहीं. अच्छा, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम तो आपके सामने भी आ जाएगी, आपको तो भागना है, दौड़ना है बर्फ में. वो था अरे भाई, एक टाइम ऐसा था कि जब आजकल यंत्र बहुत हो गया ना, छोटे से छोटे यंत्र में हम लोग कैप्चर करते हैं चीज़ों को, तो वैसे ही कैमरा है कॉल्ड द ड्रोन कैमरा जो एकदम आसमान में चला जाता है और चूँकि वो ऊपर है तो कोई और क्रू मेम्बर्स हो नहीं सकते वहाँ पर. रोहतांग के वहाँ आसपास कहीं विराने में सिर्फ बर्फ और एक बंदा है ये अश्विनी दीक्षित खड़ा है, भाग मेरे को, मुझे यहाँ पे एयरपीस पर आता कि भागो. अब मैं भाग रहा हूँ, मुझे हाँ मुझे पता नहीं कि कहाँ खाई और क्या नहीं है और मेरा सहारा है वो बीरबल की खिचड़ी जो ऊपर मंडरा रहा है, बस वो देख करके उसके सपोर्ट लेकर के हम भाग रहे थे. तो वैसे बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे मुझे लगा कि रोमांच तो है, दिखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे दुखी हो रही है. हाँ, लेकिन बहुत काम करवाया ये तो क्लियर हो गया. देखिए बहुत काम करवाया आपने. देखिए वो उनकी मेहनत है, वो कभी उन्होंने नहीं बोला कि मुझे कोई डुप्लीकेट चाहिए, बहुत लॉन्ग शॉट है इतना. अच्छा, वो भागने दौड़ने और जो एक्शन वाले सीन है वो आपने किए सारे? खुद इन्होंने अकेले किए, बहुत लॉन्ग शॉट में इतना सा दिखना है ऐसा शॉट रहता था. मैंने बोला खुद ही दौड़ता है. मुझे वहाँ पर मनाली के लोग बोलते थे कि हमने बर्फ में नाचना गाना और सॉन्ग सीक्वेंस तो बहुत देखा है, ये पहली बार देखा. हाँ, मैं यही कहने वाली थी एक्चुअली, मैं इसी पर आने वाली थी कि बर्फ में डांस करना, साड़ी पहने हुई एक्ट्रेस, थैंक गॉड. बट यहाँ पे तो दौड़ रहे हैं जैसे कि अश्विनी दीक्षित, क्या बात. वहाँ के लोकल लोग बोलते थे कि हीरोइन कहाँ है, खाली एक्टर लेके बर्फ में तो कोई नहीं आता. अच्छा, वहाँ के लोगों का
का कैसे रिएक्शन था? वहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, मेरे ख्याल से ठंडी जगहों पे अच्छे लोग मिलते हैं ऐसा लगता है। जब जब मैंने हैदर की थी तो बहुत सुंदर सुंदर लोग मिले। अच्छा, आपको तो बर्फ में काम करने का बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारा तो काम यही होता है, मैंने हमेशा कहता हूँ कि हमारे नसीब में, एक्टर्स के नसीब में ये होता है कि जहाँ गर्मी हो वहाँ ठंड का एहसास दिलाना होता है, जहाँ ठंड होता है वहाँ पे गर्मी का एहसास दिलाना होता है। तो हम तो यूज़ टू हैं इस बात, ऐसा नहीं है ठंड जैसलमेर की गर्मी में ठंड का एहसास दिया है हमने, ऐसी बात नहीं है, अलग फिल्मों में। आपको मुझे लगता है ये सारी फिल्में रिलीज हो गई, इनको तो आदि हो गए इस तरह की चीज़ों में। आपकी पहली फिल्म है, आपने इतनी मेहनत की है और इतने कम टाइम में आपने फिल्म को शूट किया है, अब बहुत ही चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस ऐसे जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेहनत की इसलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, चैलेंजेस वो टफ कंडीशंस थे शूट करते समय, उसके अलावा कोई चैलेंज नहीं था। हम लोगों ने स्क्रिप्ट में बहुत मेहनत की, उसके बाद एक्टर तो हमारे वन टेक हंसते गाते हम लोगों ने धमाल मचाते हुए शूट किया, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था जिससे हम लोग परेशानी हो। अच्छा, पहले फिल्म और सस्पेंस थ्रिलर, उसके पीछे कोई खास वजह? मैं सस्पेंस थ्रिलर पसंद करता हूँ खुद, जब देखता हूँ तो भी मैं वैसी फिल्म में देखता हूँ, जब खुद बनाना था तो भी मैंने। अच्छा, लेकिन क्या ये फिल्म किसी रियलिटी है उस पर बेस्ड है या फिर कोई फिक्शन? नहीं, फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि ये सही में हो सकता है कि सही में हुआ। अच्छा, आप इसमें चार जो मर्डरर हैं उनके पीछे? हाँ, चार है या पाँच है, एक है दो है, ये तो खैर बात की बात है। अच्छा, जब हम बर्फ की बात करते हैं तो कई बार हमने फिल्मों में देखा है कि जो हमारी हीरोइन है वो छीनी सी साड़ी पहनती है और बर्फ में डाला, इसमें नहीं। हम जो है ना ऐसे फिल्मों को बिलोंग करते हैं जहाँ बिना कारण कोई चीज़ नहीं करते, सिर्फ आर्ट डायरेक्शन के लिए नहीं करते। ये काम तो सिर्फ डायरेक्टर ही करवा सकते थे, कोई ड्रीम सीक्वेंस ड्रीम सीक्वेंस जो तो डरावना होना चाहिए। उनको लगता है, मुझे लगता है कि शिवजी का सस्पेंस है बहुत ज़्यादा, राइट? वैसे जो अलग अलग लेयर्स हैं, जब वो मर्डर्स की तहकीकात कर रहे हैं तो रामा उनके साथ प्ले अराउंड कर रही है, उनको चैलेंज कर रही है, तो वो बड़े सीरियस हैं और इन्वेस्टिगेशन में घुसे हुए हैं। जब मंदिर जी के साथ में अपनी वाइफ के पास आते हैं तो बड़ा पोएटिक सा रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो अपने असिस्टेंट के साथ हैं, वो शारिफ हाशमी प्ले कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ह्यूमर भी है वहाँ पे, गाने हैं जो क्लासिकल सॉन्ग के साथ, एक फिल्म एंड हो रही है तो वो फिल्म ऐसे इस नोट पे एंड होती है कि आप फिल्म के साथ कई दिनों तक रहोगे, वो फिल्म आपके अंदर है। जाते जाते वोडका डायरीज ही क्यों है इस फिल्म का? ये क्लब की कहानी है जिसका नाम है वोडका डायरीज, मर्डर्स भी उसी के आसपास हो रहे हैं, पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक उस क्लब के आसपास है, तो मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा इसलिए। तो बड़ा अट्रैक्ट ही कर रहा है और फिर आप दौड़ा रहे हैं क्योंकि मैंने जी दौड़े जा रहे हैं एंड आई होप ये फिल्म भी उसी रफ्तार से दौड़े और फैंस पसंद। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस हियर एंड वोडका डायरीज 19th of January आकर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।